अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड 10th। आज हमने पढ़ना है, हमारा आज का थ्योरम है। आज का टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन। हम सब जानते हैं कि फॉर क्वांटिटीज ऑफ प्रोपोर्शन की कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं हर क्वेश्चन में। ए बी और सी डी, ये हम जो है जब भी कोई प्रोपोर्शन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये फोर गिवन होती हैं क्वांटिटीज, इनके थ्रू हम सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मतलब मेथड्स हैं कि जिसकी वजह से इनमें चेंजेस आती है, आगे पीछे या नहीं होते हैं, कुछ चेंज आता है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो के। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ए बी इजिकल टू सी डी हमारे पास होता है, इसमें क्या होता है हमारे पास चेंज हो जाता है ऊपर नीचे। मतलब हमारे पास बी नीचे था तो बी ऊपर आ जाता है और ए नीचे, इजिकल टू डी बाई सी। इसमें क्या होता है इन्वर्स जाते हैं, इन्वर्स से देखें इन्वर्स एस डाल तो इन्वर्स होता है, मतलब क्या होता है चेंज हो जाता है ऊपर नीचे साइन हो जाते हैं। तो इससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इन्वर्टेंडो क्या होता है, कि जब हम इसमें जो जगह होती है ऊपर और नीचे चेंज हो जाती है। एग्जांपल करें तो अगर हमारे पास है 5, 8, 3 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर और 10, ये है हमारे पास ए फर्स्ट बी और थर्ड सी और थर्ड फोर्थ डी है। इसका हम इस तरह लिखते हैं ना, 8, 3, 8, 6, 10 टेन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 8, 3, 10, 6। देखा हमने क्या किया, जो पहले आगे था वो पीछे, जो पीछे था वो आगे आ गया। इसमें इन्वर्टेंडो में बस ये सिंपल सा लॉजिक इसकी है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो में क्या होता है, जो हमारे पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी ये होता है, इसको ये यहाँ पे ये क्रॉस हो जाता है, मतलब ए सी नीचे आ जाता है और बी उस साइड पे आ जाता है। तो वहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा ए रेशियो सी इज इक्वल टू बी रेशियो डी। ठीक है, हमारे पास क्या होता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो से मतलब क्या होता है, जो इस साइड के नीचे होता है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर सेकंड साइड का, वो आपस में अपनी जगह है वो चेंज कर लेते हैं। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो इधर सेकंड साइड पे न्यूमिनेटर में आ जाता है। तो इसे मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। हमारे पास अगर है 3p + 1 ratio 2q इज इक्वल टू 5r ratio 7s। हमने ये प्रूफ करना है कि 3p + 1 ratio 5r इज इक्वल टू 2q ratio 7s। ये हमने प्रूफ करना है। अब इसे डिवाइडिंग में लिखें, अगर 3p + 1 5r इज इक्वल टू, क्योंकि हमने ऊपर क्वेश्चन जो हमने लिखना है ये यहाँ पे 5r है और 7 5। हम यहाँ लिखेंगे बाय अल्टरनेंडो थ्योरम, क्योंकि हमें यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेटो थ्योरम में कौन सी लॉजिक यूज होती है, कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन ए बाई सी और इज इक्वल टू बी बाई। साथ साथ आपने क्या करना है, आपने इस लॉजिक को बताना है थ्रू ए बी सी डी कि हम अल्टरनेटो थ्योरम में क्या होता है। अब हम इस लॉजिक को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। यहाँ लिखते हैं अपनी 3p + 1। अब क्या होगा, 2q था वहाँ चला जाएगा, 5r यहाँ नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 2q 7s। दस हमारे पास आंसर आएगा कि 3p + 1 ratio 5r इज इक्वल टू 2q ratio 7s। तो ये हमारे पास सिंपल हमारा आंसर आएगा, कि देखें कितना इजी था। और इन्वर्टेंडो से भी रिलेटेड एग्जांपल में अगर करवाना चाहूँ तो वो करवा देती हूँ आपको इस थ्रू, क्योंकि अगर जब तक हम कोई एग्जांपल नहीं करते तब तक हमें क्लियरली समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं, किस
मेथड के थ्रू कर रहे हैं। तो इन्वर्स इन्वर्टेंडो से क्या निकलता है, इन्वर्स इन्वर्स मतलब जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। हमने यहाँ पर ये हमने प्रूफ करना है कि 2m ratio 3m 2q ratio p हमने प्रूफ करना है। तो इसके थ्रू पहले हम सॉल्व करते हैं, 3m/2n इज इक्वल टू p/2q अब बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। ये हम इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या होता है, a/b इज इक्वल टू c/d b/a और d/c ये हमने अप्लाई कर लिया। अब हम अप्लाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो 2n 3m 2q/p यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि 2n ratio 3m इज इक्वल टू 2q ratio p। यहाँ पर हम लिख देंगे दस इट्स प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ लगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन्वर्टेंडो अल्टरनेटिव ये दो थ्योरम मैंने आपको आज पढ़ाए हैं वो आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी और आपको समझाऊंगी कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को। तो अगर आप अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको सब्सक्राइब करना आगे साथ भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, जो नीचे हमारे पास बेल आइकन है उसको लाजमी क्लिक करके और नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो जो मैं आगे डाउन आप लोग तक शिफ्ट करूँ वो आप तक पहुँचती जाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।